किसान भाइयों, आज मैं जिला बिजनौर में हूं और यहां हमारे प्रधान जी हैं। मैं थोड़ा परिचय लूंगा। अमित कुमार जी, तो आप थोड़ा परिचय दो अपना। मैं अमित कुमार, ग्राम पंचायत अहोला, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और जी, पहली बार प्रधान बना तो अब यही कहना है कि बच्चे देखो यहाँ खेलते हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जगह कौन कितनी होगी अंदाजा? ये लगभग 3-4 बीघे करीब होगी। 3-4 बीघे गांव के बीच में, बहुत बढ़िया बात है। इतनी जगह मिलती नहीं गाँव में आजकल, ढूंढे से भी काफ़ी जगह है भैया। देखिए ये वो दिखे ब्लॉक, क्या बोलते हैं, अच्छा ये वो लग रहा ना, वो अच्छा जूनियर जो प्राइमरी बोलते हैं। और ये क्या जी बिल्डिंग, ये किस तरह की यज्ञशाला? आओ तो इसे भी दिखाते हैं। और भाइयों एक अच्छी बात है, यहाँ सारे गांव वाले बच्चे जो हैं बड़े खेलते हैं और यहाँ समय समय पर हवन होता रहता है। आर्य समाज के लोग हैं यहाँ पर। तो ये कौन से दिन होता है या जरूरी नहीं है? हर रविवार को भाइयों यज्ञ होता है, हर रविवार को। तो इसमें जो आर्य समाज से जुड़े हुए भी लोग आते हैं या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भैया गांव के जिम्मेदार आदमी हैं, देखो काफी लोग हैं। दोस्तों इस गांव में कोई पार्टी बाजी वगैरह जैसे कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं? कुछ नहीं। इसका कारण क्या है आर्य समाज होना? आर्य समाज होना और एक ही बाप दादे की, एक दादे की औलाद है। पूरे गांव में एक ही गोत्र है? पूरे गांव का। क्या गोत्र है जी? गोयत। गोयत, गोयत। अच्छा तो थारे बड़े कहाँ से आए थे? हरियाणा। क्या बात है, हमारे हरियाणा से आए थे सारे, यूपी सारी हरियाणा की बसी है। आए थे राजस्थान से। अच्छा जी, पहली तरफ से चलते ही रहे हैं यहाँ तक आए गए। तो पहले जब यहाँ बसे होंगे, जब तो यहाँ वैसे खंडर सही होगा। गुजर उजर जाति के छोटे मोटे वैसे आदमी रह कर थे। अच्छा, लगभग 1700 कुछ में तो यहाँ जमीन खरीदी होगी आके या पैसे कब्जा ली? ऐसे ही बस गया था आगे, एक ही गाड़ी तो आई थी हमारी। कमाल की बात है, पहले आदमियों ने हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत करी। एक हमारे गोत का यहाँ हमारे चौक में है गाँव। अच्छा जी, जी के पास मानक चौक है, उसमें भी गोयत है, सारे हमारे साथ ही आए हुए हैं, साथ ही आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो यार समाज से आप कैसे, कब से जुड़े? पहले से, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो जुड़े हुए थे और उनकी देखा देखा मैं, वो उनकी पद्धति अच्छी लगी। ये जो यज्ञशाला बनी हुई है, ये बहुत पुरानी यज्ञशाला है और यहाँ साप्ताहिक यज्ञ भी होता है, हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को यज्ञ होता है यहाँ पे। तो जैसे ज्यादा काम हो तो जरूरी थोड़ी है हर आदमी आवे, है कुछ आदमी आते होंगे चंद। अच्छा, जिनके पास टाइम जितना हो वो आ सकता है, कोई बंधन नहीं है मतलब, कोई कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ मंत्र उच्चारण होते हैं, इससे बीमारी कटती है, गांव के लिए अच्छी सीख मिलती है और यहाँ सारे युवा यहाँ खेलते हैं। हमारे यहाँ तो देखो इलेक्शन हुआ है, प्रधानी के भी हों और भी होते हैं, लेकिन वो जितना इलेक्शन हुआ का भाई इतने कुछ भी समझ लो, उससे बात भी वही पता लगने का, इलेक्शन इन्हें लड़ा है या यो जीता है ये हारा, किसी के मन में कोई किसी के प्रति, क्योंकि एक तो खानदान हो गया, दूसरा सब एक ऐसे आर्य समाज से जुड़े हुए, तो ईमानदारी की बात है, कोई बेईमानी की तो करता ही नहीं। जैसे इन भाई को बनाया पहली बार, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 32 साल। यकीन से नहीं हो रहा, लग रहा है झूठ बोल रहे हो प्रधान होगा। बिल्कुल सिंपल से ही है, कोई बनावट नहीं। हमारे गांव के तो सफेद कुर्ते पजामे में घूमे हैं वो तीनों पाल लगा। जब से ये ग्राम प्रधान बने हैं, इन्होंने गांव में बहुत अच्छा विकास किया है, सीसी रोड बनवाई है। अच्छा, और ये बाहर समय समय पे और जो गांव के लिए योजनाएं आती रहती हैं उनकी भी जानकारी करते हैं और गांव को अवगत कराते हैं गांव वाले। अभी तो टाइम भी बहुत कम हुआ है, समय भी बहुत कम हुआ है, एक साल ही दिखा शायद अभी, अभी एक साल नहीं हुआ, 2 मई को होगा एक साल। अभी जितने टेस्ट हुए इनके नंबर ज्यादा हैं वैसे पहले वाले, बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा, और सभी के सहयोग से बनाए होंगे। ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया काम, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आगे लोग आगे भी ध्यान करेंगे, मेहनत और लगन के साथ काम। तो भाइयों इस बात का एक ही संदेश है कि गांव में पार्टीबाजी ना करें, अपना प्रेम भाव से रहें, क्योंकि सबको खाली हाथ जाना है, बाजे बाजे रंजीश पाड़ लें, कोर्ट कचहरी में घूमते रहे, सबको लाभ तो मिलता ही नहीं, सिवाय एक रंजिश ही बनती है। और ये आर्य समाज से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की। और ये गांव में जब कोई बड़े बुजुर्ग हमन करते हैं तो फिर बच्चे भी उसी तरफ झुकते हैं, अच्छा लगता है बहुत। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ यज्ञ करते थे, साप्ताहिक यज्ञ करते थे, हमारे अंदर भी इंटरेस्ट हुआ, फिर हमने भी ये शुरुआत करी,
इसमें सहयोग करा जो भी समय पे बंद पड़ा। फिर उसके साथ साथ जो हमसे नीचे वाली पीढ़ी है जी, उनका भी पूरा इंटरेस्ट है इसमें। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और सभी गाँव वालों को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी? इसके अंदर एक ज्ञान की बात है, सभी देखना। नमस्कार।